तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जश्न में आप शामिल होके उन्हें आज प्रोत्साहित कर रहे हो, ऐसे माँ बाप के चरणों में मेरा नमन है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आज हुई हो, मुझे पता है आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, ट्रेनों में आए हैं, बसों में आए हैं, बहुत मेहनत करके लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं। तो मैं संजीव कुमार आपके हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ किसी को कोई असुविधा हुई हो तो मुझे क्योंकि असुविधा हम लोग भी करना नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि सुविधा के साथ साथ काम हो। इसलिए जब रामवीर सर ने और भंडारी सर और तनीब सर ने कहा कि सर हम एक ऑडिशन करना चाहते हैं इंदिरा गांधी में, आप थोड़ा प्रमोट कर देना, तो मैंने मना कर दिया था कि अगर मैंने प्रमोट कर दिया तो ऐसे ऐसे 5 बार छोड़ने पड़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस हॉल से मैं जितने लोग इतने लोग इससे काफी लोग आ रहे हैं, उनको तो असुविधा हुई है मुझे पता है, और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इसलिए मैं आपसे क्षमा से नहीं मांग रहा हूँ कि आप मतलब गुस्सा हो जाओगे, नहीं, क्योंकि मैं अपने परिवार का बड़ा हूँ और ये एसएलएस कोई कंपनी नहीं है, हम सबका बनाया हुआ 7.5 साल मेहनत करके एक प्यारा सा परिवार है। और देखो भाई, परिवार में जब भी कोई बड़ा फंक्शन हो तो सुविधा होती है नहीं होती भाई, हमारे बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, घर में तो सोने को भी नहीं मिलता, चारपाई नहीं मिलती, रिश्तेदारों को चारपाई देनी पड़ती है, खुद को खाना नहीं मिलता, रिश्तेदारों को खाना पड़ता है, तो क्या ये समारोह नहीं है? ये हमारी जिंदगी का कामयाबी का समारोह है, इससे बड़ा समारोह हमारी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। तो थोड़ी बहुत असुविधा हुई हो तो चिल करो, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ खाना नहीं खाना है, यहाँ भूख मिटाने नहीं आए थे, आज की भूख नहीं, आने वाली 10 पीढ़ी की भूख खत्म करने आए हो आप, आज की भूख मिटाने नहीं आए, आने वाली 10 पीढ़ियों की भूख मिटाने आए आपको, आज आराम करने नहीं आए, आने वाली 10 पीढ़ियों को आराम देने आए हो आप, आज ये गर्मी सहन करने नहीं आए, आने वाली पीढ़ियों को ठंडक देने आए हो आपको, आज कुछ नहीं है बस एक सोच, यहां से लेके जानी है दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आपका फिर एक बार अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या था ये फंक्शन, क्या था ये समारोह, क्या था सबने आके क्या बताया, क्यों बताया, किसलिए बताया, और आपको इतनी दूर दूर से बुलाने का मकसद क्या था? सिर्फ एक ही हमारा मकसद था, हमने आपको इतनी दूर दूर से बुलाकर इसलिए यह इकट्ठा किया है कि हम आपको बताना चाहते थे कि आम आदमी भी खास बन सकता है, और उन खास आदमियों से आपको मिलवाना चाहते थे, हम आपको एक भरोसा दिलाना चाहते थे, एक यकीन दिलाना चाहते थे कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म परमपिता परमात्मा ने बनाया है जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपनी जिंदगी लगाकर अपने उतनी मेहनत से, उतने जोश से और उतने ही जनों से अपनी जिंदगी का इतिहास लिख सकता है, उन इतिहासकारों से आज मैंने आपको मिलवाया। किसी को लगा कि यहां पर डुप्लीकेट बात हो रही थी, लारा लप्पा दिया जा रहा था, कोई लारा दिया जा रहा था, कोई देवकूट बनाया जा रहा था, लग रहा है किसी को? लगता होगा आज से 7.5 साल पहले, 7.5 साल से लगना बंद हो चुका है, सबको समझ आ चुका है, एक कंपनी है जहां सच बिकता है, सच चलता है और सच बोला जाता है। दोस्तों आज हम जो भी कुछ, ये कंपनी जहां भी पहुंची है, मेरा कोई उसमें योगदान बहुत बड़ा नहीं है, और ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी महानता है कि आप मुझे इस तरह सम्मान देते हो, लेकिन मैं जानता हूं जनता जिसे चाहे बना दे और जनता जिसे चाहे मिटा दे, ये आपकी कंपनी है, आपने बनाई है, आज से यहां
में पहुंचे तो आपकी वजह से, कल वहां पहुंचेंगे तो आपकी वजह से, कल दुनिया में पहुंचेंगे तो आपकी वजह से। वजह हमेशा आप ही रहोगे, ये कंपनी नहीं, ये आपका परिवार है, ये आपकी फैमिली। मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट बना दिए, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट बना दिया, मार्केट में आया, लोगों को दिखा दिया, लोगों को समझा दिया, पर मैं कितनों को समझाता, मैं कितने घर जा पाता, कितने लोगों को मैसेज दे पाता अगर आप ना होते। इसीलिए मेरे लिए भारत की जनता सर्वे सर्वा है और सर्वे सर्वा रहेंगे। एक बार भारत माता को याद करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्यों याद किया? क्योंकि आज हम जो भी खा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जो सुबह से शाम तक जीते हैं, बिकॉज ऑफ भारत माता। जिस जमीन में अन्न उगता है वो हमारे देश की जमीन है, जहां ये जड़ी बूटियां होती हैं, जिनसे इतने बड़े रिजल्ट आते हैं, वो भारत माता की जमीन है। इसलिए जिंदगी में याद रखना, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करना है तो अपने देश को प्यार करना। यार जब देश से प्यार होगा तो देसी चीजों से तो अपने आप ही हो जाएगा, है कि नहीं? जड़ी बूटियों से तो अपने आप हो जाएगा, आयुर्वेदा से तो अपने आप हो जाएगा, अपने संस्कारों से तो अपने आप हो जाएगा। पहली मोहब्बत देश से करना, और जिन लोगों ने अपने देश से मोहब्बत नहीं करी, उन देशों का क्या हाल है वो आज आप देख सकते हो। इसी सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को ये सोच लेके मैं आया था कि मैं दुनिया में कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसा काम कि मैं अपना जीवन यापन भी कर सकूं, अपनी गृहस्थी चला सकूं, एक अच्छा सुखमय जीवन जी सकूं और लोगों की धुनों और लोगों का प्यार भी कमा सकूं। ऐसे भी एक सोच है, एक वो सोच जो मात्र 100 लोगों से शुरू हुई थी, आज 18 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता था क्या होगा, मैं नहीं जानता था, पर मैं ये जानता था कि हमारा मिशन इंटेंट क्लीन है, हमारी नीयत साफ है, हम सच्चे अच्छे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लोगों को अच्छा बिजनेस काम देना चाहते हैं, लोगों को अच्छी नॉलेज अच्छी एजुकेशन देंगे तो शायद हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। मैं कहता हूं कुछ अच्छा होगा मेरी में क्या, आप लोग लाखों की जिंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। साढ़े 7 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कितनी कम उम्र में इतनी बड़ी तरक्की ये कंपनी कर लेगी, लेकिन की, और वो सिर्फ वजह हो आप होता। तो मजा आ रहा है काम करने में? अच्छा, पहली बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा करो, फर्स्ट टाइम। अरे इंदिरा गांधी में फर्स्ट टाइम है जिंदगी, यहां कंपनी में पहली बार आए। देखो भाई, सीधे तरीके से समझो आपको यहां पर क्यों बुलाया गया। सिर्फ एक समझ देने, एक सोच देने कि इस दुनिया में अच्छे रास्ते चुनकर भी, अच्छे काम कर भी एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है, धन दौलत लोगों की दुआएं लोगों का प्यार कमाया जा सकता है। मैं सिर्फ आपसे इतना बताना चाहूंगा, इस दुनिया में आए हो तो इस जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो कर रहे हो, ये सुन लो। क्या यहां बैठा कोई ऐसा आदमी है कि अपने जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं कर रहा? क्या है कोई ऐसा आदमी? अरे कोई खेती करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई ना कोई काम आप कर रहे हो, और उस काम को करने का कारण सिर्फ एक है, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना। यह सुनो, सही है गलत है, काम तो करना पड़ेगा, जब तक हमारा जीवन है हमें काम करना पड़ेगा, बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, लेकिन हर काम की कीमत अलग अलग है मेरे दोस्त, हर काम की कीमत अलग अलग है। मजदूर 8 घंटे मजदूरी करता है,
600 रुपए कमाता है, डॉक्टर 8 घंटे डॉक्टरी करता है 6000 कमाता है। हर काम की कीमत अलग अलग है। हमने आपको यहां ये बुलाया है ये बताने के लिए आप निकम्मे नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप नाकामयाब नहीं हो। ये सिर्फ कहावती और बनावटी किताबी बातें हैं कि एक आम आदमी को कहता है जो पैसा नहीं कमा रहा है निकम्मा है, ये तो नकारा है, ये नाकामयाब है। क्योंकि लोग कामयाबी को दौलत से तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप निकम्मे नहीं हो, आप नाकामयाब नहीं हो, आप भी कामयाब हो। दुनिया का हर वो शख्स कामयाब है जो सुबह घर से निकलता है अपने बच्चों की रोटी पैदा करने के लिए, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे ऑटो चलाता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, जो घर चलाने के लिए घर से निकलता है दुनिया में हर वो व्यक्ति कामयाब है। मैंने हमेशा कामयाबी को ऐसे सोचा है, हमेशा ऐसे सोचा है। लेकिन हम और ज्यादा कामयाब हो सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन इस समाज ने हमें कोई मौका नहीं दिया। ये समाज भी अपने पैमाने बना गया, अपने पैरामीटर्स बना गया। ये समाज कहता है तेरी जरूरतों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी परेशानियों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी तकलीफों की मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे दुखों की मुझे कोई परवाह नहीं, तू कितनी मेहनत करता है मुझे कोई परवाह नहीं। ये समाज कहता है अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास पैसा होना चाहिए, अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास टैलेंट होना चाहिए, अगर तुझे कुछ बनना है तो तेरे पास एजुकेशन होनी चाहिए। समाज को कोई मतलब नहीं तुम किस घर से हो, गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, किराए के घर में रहते हो, मोटरसाइकिल है या नहीं, गाड़ी है या नहीं, बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं। वो कहता है अगर तुझे बड़े आदमी बनना है तो नॉलेज लेके आ, नॉलेज नहीं तो दौलत लेके आ, दौलत नहीं तो कोई टैलेंट लेके आ। ये समाज ऐसा है और मैं 7.5 साल से कह रहा हूं अगर तुझे बड़ा बनना है कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी मजबूत सोच चाहिए। हिम्मती तो हो, मेहनती तो हो, जज्बा तो है, जुनून भी है, पर रास्ता नहीं था। मैं वो रास्ता दिखाने को यहां बुलाया। निकम्मे होते तो घर सो रहे होते यहां ना, तो ऊपर वाले की कुछ मर्जी है जो यहां आज आपको भेजा है। बहुत लोगों को आप बुलाने गए होंगे, बहुत लोगों को आपने बोला होगा चलो फंक्शन में, बहुत लोगों ने मना की होगी। और आपको पता है जब ऊपर वाला आपको यहां नहीं भेजना चाहता तो घर में कोई तकलीफ पैदा कर देता। बहुत लोग शादी में नहीं जा पाते जब घर में कोई बीमार हो जाता है, तो यहां आना इतना आसान नहीं था। आज मर्जी तुम्हारी नहीं है, आज मर्जी ऊपर वाले की। कहते हैं भगवान सबको एक मौका जरूर देता है। ये वो मौका है। आई लव दिस इंडस्ट्री, मैं जीता हूं इस इंडस्ट्री के लिए। हर सांस हर धड़कन मेरी धड़कते इस इंडस्ट्री के लिए, इसलिए नहीं मैंने क्या कमाया। अरे जब इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहा हूं तो इन्हें दुकानों से भी बेच सकता हूं, ट्रेडिशनल भी बेच सकता हूं, ऑनलाइन भी बेच सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं यहां से पैसे कमाता हूं, इसलिए कि मैं यहां लोगों को जिंदगी जीना सिखाता हूं। लोगों की जिंदगी में यहां बदलाव होते हैं। एक आम आदमी का खास आदमी बनता है, एक किसान का बेटा यहां करोड़पति अरबपति बनता है। That is why I love this industry only not for money। आज संजीव कुमार कितने नोट कमा रहा है,
संजय कुमार इस इंडस्ट्री का सबसे करीब एमडी है, अगर सही बात बताऊं तो। तुम्हारी कंपनी जितना मर्जी टर्नओवर कर रहा है लेकिन ज्यादातर पैसा तुम्हें जाता है, पैसे कमाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं। अगर मेरी एजुकेशन 12th है, सोचो अगर दुनिया में इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं कहां होता, किस स्वरूप में होता, इन कंडीशंस में होता, मैं कहां होता। ये इंडस्ट्री है इसलिए आज मैं यहां पर। दोस्तों यहां कोई अरबपति का बेटा ऊपर नहीं आया था, ये सब हमारे तुम्हारे जैसे परिवारों के लोग, ये सब ऐसे ऐसे फंक्शन देखा था। मुझे क्या लगता है तुम्हें, 15 अप्रैल 2007 संडे के दिन रोटरी क्लब जयपुर में मैंने भी यही फंक्शन देखा। ये फंक्शन नहीं है, नाच गाना नहीं है, ये समझ है, ये विजन है, ये एजुकेशन है कि हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं। जो हमें डर लग रहा था ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये जितने लोग आए इन्होंने बताया जैसे तुम वैसे हम, हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये समझ देने के लिए बुलाया है, ये सोच देने के लिए बुलाया है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये काम हो चाहे ना हो, काम अच्छा है बुरा, लोगों के घर घर जाना, अच्छा करना क्या मिले ये बात कर ले लोगों के घर घर जाना, उनको समझाना कि भाई अंग्रेजी खाना बेकार है, देसी खाना अच्छा, उनको समझाना प्योर हल्दी खा, उनको समझाना गर्म पानी पी, अपने ट्रेडिशनल तरीके दोबारा उनकी रसोइयों में डेवलप कराना, उनको बीमार होने से बचाना, अच्छी गाइडलाइन अच्छी एजुकेशन देना। एक आवाज में पूछता हूं, अच्छा काम है बुरा काम है, अच्छा काम है बुरा काम है। अच्छा आपको कोई साइंस में बात नहीं करनी, हिंदी में गुजराती में मराठी में जो आवाज जैसी आपको भगवान ने बनाया वैसे बात करो। कोई एजुकेशन चाहिए क्या इसके लिए? अरे कोई एजुकेशन चाहिए क्या इसके लिए? कोई भी किसी को भी बता सकता है, आया ना। उसके बाद हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सीधा जाके किसी को प्रोडक्ट नहीं देते, वो तो बहुत बात की बात है। उसके बाद अगर कोई घर में दुखी है, परेशान है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, डायबिटीज है, कुछ भी है, तो व्हाट वी आर डूइंग, तुम क्या कहते हैं? सर आपके घुटनों में दर्द है, आपने बहुत जगह इलाज कराया है, एक बार हमें भी ट्राई कर लीजिए। पहले भी तो ट्राई करते आ रहे हो, आया ना। कुछ फ्रॉड हुआ इसमें, कुछ झूठ है इसमें। अरे भाई 10 साल से डायबिटीज की दवा खा रहा है, 10 साल से ट्राई कर रहा है, एक बार AWPL भी ट्राई करें। यही कहते हैं अब ये कोई मिससेलिंग हुई, ये कोई मिससेलिंग हुई, ये कोई प्रेशर सेलिंग हुई? हम कहते हैं भाई आपके घुटनों में दर्द है, 10 साल से परेशान हो, 10 साल से 100 जगह दिखा चुके, 1-2 महीने हमारा भी ट्राई कर लो। और वही काम करते करते, ट्राई करते करते, ट्राई करते करते आज लाखों की डायबिटीज, लाखों के घुटनों का ऑपरेशन, लाखों की बीमारियां ये स्लिपियस वेलनेस में डाल चुकी है। तो ये अच्छा काम है बुरा काम है? और अगर किसी भाई को डाउट हो SLPS में रिजल्ट आते हैं नहीं, तो YouTube पे जाके देख लेना। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, YouTube पे खोल के देख लेना। अरे हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि ऐसे रिजल्ट आते कैसे हैं, क्योंकि तुम हैरान हो, मैं हैरान हूं। मुझे खुद पे डाउट है, मैं खुद परेशान हूं ऐसे रिजल्ट आते कैसे। कभी मैंने भगवान से ऐसे सोच रहा था, बात कर रहा हूं दिल से, मैंने खुद करा परमात्मा, मैंने तो कोई बच्चा पैदा करने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने कोई पैरालाइज का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने कोई बोलने का प्रोडक्ट नहीं बनाया। ये रिजल्ट कहां से आते हैं? तो मुझे लगा
कि जितने अच्छे लोग तेरी कंपनी में हैं वो इतने अच्छे तरीके से और दुआओं के साथ लोगों को देते हैं कि प्रोडक्ट में कुछ होना हो तेरे लोगों की दुआएं लग जाती हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। अब इस अच्छे काम को करने के लिए क्या करना है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। क्या करना है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। हम सब कर सकते हैं? नहीं। अरे कर सकते हैं? नहीं। अरे कल क्या होगा देखा जाएगा। अपने आप को कमजोर मानना बंद करो, अपने आप को गरीब मानना बंद करो, मिडिल क्लास मानना बंद करो, पैसे से खुद को मत तोलो, अपनी सोच से खुद को। कितने पैसे चेक में है, किराए के घर में रहते हो वो बड़ी बात नहीं, पर किराए के घर से जब निकलते हो तो क्या सोच के निकलते हो वो बड़ी बात है। आदमी की सोच मजबूत होनी चाहिए। और प्रॉब्लम हमारे बीच में क्या है? हम लोग, अरे हम लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास किसान के बच्चे देसी खाने खा हुए हम कमजोर है क्या? नहीं, हमारी सोच कमजोर। हम डरते हैं बड़ा सोचते हुए, घबराते हैं बड़ा सोचते हुए, बड़ी चीजों को छूते हुए, बड़ी गाड़ी भी नहीं छूती हम, बड़े होटल में पैर भी नहीं रखते हम, हमें डर लगता है। ये डर खत्म करके जाना आज इंदिरा गांधी से, ये सोच के जाना भगवान पहले मेरी सोच कमजोर थी क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म कमजोर थे, आज के बाद मेरी सोच कभी कमजोर नहीं रहेगी क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म मजबूत है। या जितने भी लोग थे कोई सेंट्रल नहीं थे, कोई विदेश से नहीं आया, सब आपके जैसे थे। हम कमजोर नहीं है, हमारी सोच कमजोर है। सोच मजबूत बनाओ, क्या होगा? अरे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दो साल, साल, पांच साल काम करना, क्या होगा? कुछ नहीं बनवा तो, कुछ नहीं बने तो, काम नहीं चला तो, प्रोडक्ट नहीं बिके तो, लोग मेरे सिस्टम में नहीं आए तो क्या हो जाएगा? चार साल बाद, दो साल बाद क्या हो जाएगा? आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं? क्या हो जाएगा? अरे जैसे थे, जैसे पीढ़ियां चली आ रही हैं, सौ सालों से जैसे तकलीफें चली आ रही हैं, सालों सालों से जैसे थे वैसे हमेशा रहोगे। लेकिन सोचना, चार साल में भंडारी बन गया तो, रामवीर बन गया तो, रजनीश बन गया तो, दलीप बन गया तो, चार साल में जिंदगी बदल गई तो ऊपर सोच के देखो, ऊपर वाला भी कहेगा बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू गरीब ऊपर आया अमीर, कम से कम तूने एक बार कोशिश तो की, एक बार हिम्मत तो की। कहते हैं ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, क्या पता आसमान में भी छेदो। एक कोशिश तो करो, आप किसी गलत काम की कोशिश कर रहे हो तो मत करो। अगर आपको लगता है किसी को एक बेकार काम है, गलत काम है, मैं बोलता हूं छोड़ो, एसलीपीएस कैंटीन होता भी छोड़ो। आपको लगता है किसी प्रोडक्ट गलत है, प्लान गलत है, लोगों को फंसा रहे हैं, तो बेवकूफ आप ही छोड़ो, मैं बोलता हूं भी छोड़ो। क्योंकि कहते हैं मन के जीते जीते मन के हारे यार, अगर मन नहीं लग रहा तो मत करो, मन लगा के करो तभी कुछ कर पाओ। और कैसा चमत्कार देखना चाहते हो तुम? हाँ, क्या देखनी चाहते हो? हिंदुस्तान के अंदर सिलेबस में अब दुनिया की ऐसी कोई परेशानी तकलीफ नहीं है जो इन प्रोडक्टों ने ठीक नहीं की। बस इतना जाएगा कि अब मैं कमर में जाऊं, उसे दो बार उसे मरा, उसे पिलाऊं, फिर उसे उठा के लाऊं, चित्र दिखाना रहेगा। और क्या रह गया? एक से एक रिजल्ट है, एक से एक कारण है इसे पेश करने का, हजारों कारण है इसे पेश करने के, क्या जीने के। और क्या रह गया दोस्तों? इस काम को सिर्फ काम समझ के मत करना, देश सेवा समझ के करना, क्योंकि आप देश के लिए क्या करने वाले हो? बीमारी और बेरोजगारी।
बेरोजगारी मुक्त करने वाले हो, ये काम नहीं होता, ये देश सेवा होता। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जुनून आ गया, ये जज्बा आ गया कि मैं काम अपने लिए नहीं, अपनी कंट्री के लिए भी कर रहा हूँ, देश के लिए भी कर रहा हूँ, क्या आज गलत हो गया? एसटीडीएस में आज महीने में एक वीक में 40,000 लोगों से 50,000 लोगों को घर पे पैसा जाता है, उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं, कहीं गलत काम कर दिया हमने? 1,00,000 लोग हर हफ्ते किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित, उन लोगों को कोई आराम आ जाता है, ये कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या गलत काम कर रहे हैं? अरे ये देश सेवा नहीं, कैसी होती है देश सेवा मुझे बताओ, मैं करूंगा। जब जब समाज को एसडीपीएस की जरूरत पड़ती है, समय एसडीपीएस पड़ी होती है, आया ना, होती है नहीं होती? आज लड़के को सब वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी माताएं बहने हैं, जिन माताएं बहनों को लोगों ने सिर्फ पोछा मारना, कपड़े धोना और खाना बनाने के लिए सोचा था, आज हिंदुस्तान की वो माता बहने एंटरप्रेन्योर बनने जा रही है बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। वो अपने सपने पूरे करने जा रही है, जो सोचती नहीं थी मैं भी कुछ कर सकती हूँ, उसको भी इस प्लेटफॉर्म ने हिम्मत दी कि हाँ, आपका दौलत नहीं लगती, आपकी हिम्मत लगती। तो तैयार है, तैयार है मौका खुद को देने के लिए, तैयार है। कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं, भंडारी सर मुझे बता रहे थे कि सर एक ऐसा रिजल्ट है, मोटरेट ऑटो पड़े थे, पता नहीं मेरे को नाम नहीं हमारे कदम नहीं पड़ा, कैनो बोला, मैंने कहा क्या हो गया? तो भंडारी सर बता रहे थे सर एक ऐसा रिजल्ट आया, किसी आदमी को 22 साल पहले करंट लगा, करंट लगने के बाद उसका दिमाग उसका शरीर काम करना बंद हो गया और हमारे प्रोडक्ट से मार्ग तीन महीने में वो ठीक हो गया, सुनना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, समझना बंद हो गया। क्या वो व्यक्ति आए हुए हैं, क्या है यहाँ पर, प्लीज बुलाओ, हम आप सब अपनी आंखों से देखो। अरे यकीन भरोसा जो ऐसे फेस ने हिंदुस्तान को दिया है, 25 साल से कोई दे नहीं सकता, उन्होंने नहीं दे पाएगा। भारत माता की जय। वो क्या करोगे? अरे दौलत बहुत लोग कमाते हैं, बड़े से बड़े अरबपति करोड़पति देश में पड़े हैं, पर ऐसा काम करके दौलत कमाओ तो दौलत भी फलती है, उस दौलत में भी मजा आता है। अभी हम भी सब बता रहे थे कितनी ऐसी औरतें जो मां बनी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके लीवर खत्म थे ठीक, कितने कितनी परेशानियां तकलीफें लोगों की मिटी हैं, मतलब सोचना मेरे दोस्त, साथ बाद में देना, पहले मेरी बात सुनना और सोचना, आज का समाज क्या कर रहा है, आज के लोग क्या कर रहे हैं, आज दौलत कमाने के लिए इंसान कितना गिर चुका है, कितना उसका जमीन गिर चुका है, कोई मसाले बना रहा है तो मिलावट कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बना रहा है तो मिलावट कर रहा है, कोई सब्जी बो रहा है तो केमिकल उसमें डाल रहा है, कोई दूध निकाल रहा है तो उसमें केमिकल डाल रहा है, आज लोग शहर बांट कर दौलत लूट रहे हैं और हम जिंदगी बांट कर दौलत कमा रहे हैं, कहीं फर्क नहीं, कहीं मिशन नहीं है,
क्या ये अच्छे लोगों की संस्था नहीं है? अब लोग कहते हैं फौजों की संस्था है। अरे फौजी तो सबसे सीधा होता है, फौजी को तो दुनियादारी के बारे में नहीं पता होता, एक रास्ते का चला हुआ होता है। इसलिए फौजी सच्चा होता है, इसलिए फौजी जीतता है। दुनिया आज मौत बैठ के पैसा कमा रही है साहब। ड्रग्स बेचना अच्छी बात है, हाँ ड्रग्स बेचना अच्छी बात है, नकली दवाइयां बेचना अच्छी बात है, नकली इंजेक्शन बेचना अच्छी बात है। लोग मौत बांट कर उनके हाथ नहीं कांपते कुत्तों के, मौत बांट कर पैसा कमा रहे हैं और हम जिंदगी बांट कर पैसा कमा रहे हैं। तो कैसा हिम्मत होनी चाहिए, कैसा जोश होना चाहिए, कैसा जज्बा होना चाहिए, कैसी हिम्मत होनी चाहिए? फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? इस काम में भी रोक रहे हो तुम, तो इसका मतलब तुम इस पृथ्वी पर कुछ करने नहीं आए। इसमें रुकने का दिल करता है तुम्हारा या काम छोड़ने का दिल करता है तुम्हारा? अरे काम छोड़ना भी गंदा काम, कोई गलत काम छोड़, अच्छा काम छोड़ रहा है, सच्चाई का ईमानदारी का काम छोड़ रहा है। रेस्मी प्लेस वेलनेस आज हिंदुस्तान की पहली पांच में है, पहली पांच में है। और पब्लिक को दस्त लगे हुए, दस्त समझते हो देसी भाषण में, कि यार 7.5 साल में कैसे ये कंपनी पहली पांच में क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कंपनी के फाइटर घर दिमाग घर छोड़कर दिमाग से नहीं दिल से निकलते हैं। इस कंपनी के फाइटर, अरे हमने कहा था कम लोग आना, आप इतने सारे लोग आ गए, मैं क्या बताऊं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, बस एक शब्द मेरा जिंदगी में याद रखो, जब तक ये जीवन है जितने मर्जी आगे बढ़े जितने मर्जी बड़े बने देश सेवा में तत्पर पहले खड़े रहेंगे, समाज सेवा में हमेशा खड़े रहेंगे, अपने परिवारों को दुख तकलीफ में कभी नहीं देखेंगे। और आज तो ये हमने माताएं बहनें बुला ली, अगली बार जीवन में स्टेज पे नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि हमने उसको आज शांति दे दी, 15,000 लोगों में श्रद्धांजलि दे दी। बार बार नहीं बुलाएंगे, हम ये दिखाना नहीं चाहते, ये दिखावा नहीं करते। कोई चला गया तो हम उसको क्या देते हैं? वो दिखावा करने वाला संजीव कुमार के एटीट्यूड ही नहीं है। दान धर्म गुप्त होता है, दिखाया नहीं जाता। ये तो आज 15,000 लोगों में इनको एक भरोसा दिया हमने अपनी बहनों को, ये चिंता मत कर, वो चला गया, वो अकेला गया है और तेरे पीछे पूरी मौत छोड़ के गया है, तो तेरे जीवन में कभी कुछ तकलीफ आने नहीं देगी। इसलिए दलीप सर रामगढ़ से राज के बाद मैं नहीं चाहूंगा किसी का परिवार स्टेज पर आए। एक बार हमें दिखाना था, उनको श्रद्धांजलि देनी थी, वो दे दी। दोस्तों एसएलपीएस अपने लोगों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। इतनी दौलत की भूख नहीं है, सब यही रह जाएगा, सिर्फ मोहब्बत की भूख है। आज जब ये लोग स्टेज पे आए, मैं ही जानता हूं मैं बोल कैसे रहा, मेरा गला बैठ गया था, गला रुक, मैं नहीं बोल सकता था आज, मेरे बस की बात नहीं है। इतना दर्द देखना किसी का, इतना दर्द संजीव कुमार नहीं झेल सकता, कोई झेल दिया साले खंडे लोग, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता किसी की दुख तकलीफ है। जैसे हम आज थे ये चले गए, और छोड़ो तुम्हारा चेक बने ना बने, बंदा बैठा है आ जाना, कभी भी चेक नहीं बनेगा तुम्हारा। टीम नहीं चलेगी तो मैं चलाऊंगा, घबराना नहीं, करना नहीं। वो एक गया है, लाखों की फौज लेके गया है, और उस लाखों की फौज का सेना भी कितना कमजोर नहीं है। जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी है, वो इसलिए नहीं कि कोई लालच दे रहे। अरे बंदा ही चला गया जो काम करता था, अभी लालच दे रहे? इतनी घटिया सोच के लोग नहीं है। जो काम करके हमें पैसे कमा के देता था, जो प्रोडक्ट बेच के देता था, उसकी वाइफ को तो हिंदी बोलनी नहीं आती, उसकी वाइफ को बोलना नहीं आता, ऐसी सोच के लोग नहीं है कि कोई दिखावा किया था हिंदुस्तान में, जो इंडस्ट्री में आज तक करते आ रहे थे, सारे दिखावा करते बेवकूफ बना रहे थे, वो लोग नहीं है। हम करते हैं तो दिल से ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने परिवारों के साथ
साथ खड़े रहेंगे, देख देख कितनी दौलत कम हो जाती है, हम भी देखते सारा कैसे करदार होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, लोगों की दुआएं लगेगी, माला माल होगी, हमारे लोग भी और हम भी 110%। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी सच्ची नीति और नियत से चलती है। और गंदे घटिया नीति के लोग, घटिया सोच के लोग हमारी कंपनी में किसी भी लेवल पे हो अपने आप हार हो जाते हैं। अपने आप चाहे कितने बड़े लेवल पे हो, जिनकी नीति नियत और सोच गंदी है, ये कंपनी में रहते नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं ये मेरी कंपनी नहीं, महाकाल की कंपनी, बाबा महाकाल की कंपनी है। आसानी से टिकने नहीं देता, गलत सोच को हमारे साथ रहने नहीं देता। और बाजार में भी जितने लोग परेशान हो रहे हैं उनको समझाओ परेशान मत हो, अभी तो हमने शुरू किया है। अभी तो 2.5 साल तो हमारे इंजन वैसे ठंडा था कोविड में, अब थोड़ी सी गर्मी आई है। परेशान मत हो, बदलाव करो, चेंज करो अपनी नीति में, अपनी नियतों में, अपने प्रोडक्ट में। अब हमसे टक्कर लेते हैं, हम देखेंगे कहीं कम से कम हमारी कंपनी की कॉपी करके 100 कंपनियां बाजार में आ गई, कम से कम 100। तो पहली बात तो हम उसी दिन जीत गए जिस दिन हमारी कॉपी होने लगी। 100 कंपनी है बाजार में आ गई, चिल्लर किल्लर किल्लर इल्लर उल्लू के पट्टे से, बात नहीं, औकात नहीं, जमीन नहीं, जात नहीं, साल कहां से। और कहते इनको टक्कर देंगे, मैं कहता हूं मुझे टक्कर, तुम एक नीम तुलसी साबुन टक्कर देकर देखिए। मेरी टक्कर की बात तो बहुत दूर है, पूरे भारत से चले जाएंगे नीम तुलसी साबुन 45-50 रुपए की, उसे टक्कर दे लो, मैं तो कई करोड़ों का आदमी मेरे पास बात में। नीयत बनाना अच्छा है, अच्छा लोगों के लिए व्यवहार नहीं करना, अच्छा सोचना नहीं, और कंपनी को टॉप में ले जाना कैसे जाएगी। कमर्शियल माइंड, टोटली कमर्शियल माइंड, नो एथिक्स, नो वैल्यूज, एस लेट मी एक्सेप्ट वैल्यूज एंड एथिक्स। आज तक जो प्रोडक्ट लाया हूं टंके की चोट पे लाया, ये रिजल्ट देगा तो रिजल्ट देगा। अरे अब देखो साथ में पिछले एनिवर्सरी में क्या बोला था, किसानों का प्रोडक्ट आने बोला था ही नहीं बोला, मैं 7 साल से नहीं लेके आया, अब लेके आया ना, भूविटा भूविटा, जिसने किसानों का दिल जीता। आज हमारे देश का किसान जो भी हमारा प्रोडक्ट डाल रहा है, एक एग्जाम्पल दे दो जिसकी फसल नहीं आ रही, जिसकी बढ़ के फसल नहीं आ रही। अरे करो तो ऐसा करो कि दुनिया समझे कि ये कंपनी प्रोडक्ट दिमाग से नहीं दिल से बनाती है। हम अपने किसान को लूट लेते, हम कुछ भी बेच देते, इस पृथ्वी पे इससे बड़ा पाप होगा कि किसान के लिए गद्दारी करके प्रोडक्ट बनाओ। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं आप लोगों ने यूज कराए हैं ना, अरे किसानों को रिजल्ट आ रहे हैं नहीं, तो किसी को डाउट हो तो जाके यूट्यूब पर देख लेंगे। दोस्तों असलीपियस वेलनेस जिस सोच से 9 नवंबर 2014 को आई थी, इसी सोच के साथ हजारों साल रहेगी, सोच नहीं बदलेगी। और जो मेरी सोच बदलने की कोशिश करेगा वो खुद बदल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जिसने मेरी सोच को बदलने की कोशिश करी कि संजीव अब ऐसे कर लिया बेईमान हो जब, मैं उसको ही बदल दूंगा। लेकिन सोच नहीं बदली जाएगी। अरे आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इसी तरह मिलते रहे, पुष्पा पुष्पा के स्टाइल में गर्दन के, अपना स्टाइल ये दुनिया के नंबर वन पर, दुनिया की हर कंट्री में तुम्हारी टीमें होंगी, हर कंट्री में ऐसे फंक्शन होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, बस परमात्मा जीवन दे, हर कंट्री में ऐसे फंक्शन होंगे, हर कंट्री में तुम्हारी डाउनलाइन होंगी, चले काले पीले गोरे नखाड़े बड़े मोटे काले, एक बात बताओ,
आदमी है, आदमी वहाँ किडनी है, किडनी वहाँ है, लीवर यहाँ है, लीवर वहाँ है, जब यहाँ के लोग ठीक हो सकते तो क्यों नहीं होंगे? है ना, पूरी दुनिया में राज करूंगा, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और प्यार बना रहना चाहिए। पूरी दुनिया तुम्हारे कर्मों में लाके डाल दूंगा दोस्तों। दौलत की बात तो बहुत दूर है, तुम हिम्मत मत करना, हिम्मत मत हारना। परीक्षाएं होंगी, बाहर निकलोगे लोग नेगेटिव करेंगे, कोई बोलेगा अरे रहने दे हमने बहुत देखा है, कोई बोलेगा नहीं हम मत करेंगे, वो सिर्फ परीक्षा है। भगवान बिना परीक्षा के कभी आपको बना नहीं बनाएगा। परीक्षा होगी, फेलियर भी आएंगे, नो भी आएंगे, परेशानी भी आएगी, बस उस परीक्षा को ये सोच कर स्वीकार कर लेना ये मेरी जिंदगी की वो परीक्षा है, इसके पास होने के बाद आपको पीछे मुड़ कर नहीं देना। आर यू रेडी? अभी खुश हो आप लोग? खुश हो? दिल से खुश हो? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो कोविड खुला तो आगे अच्छा 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 ही लगेगा। बस आपके अपलाइन, आपके सीनियर जैसे कहते हो अपनी बात माने, जो वो समझाते हैं वो समझे। जिंदगी में तीन चीजें खो दे, ईगो एटीट्यूड गुस्सा, ये खो के बाहर निकले, क्योंकि जो बड़े बनते हैं वो ठंडे लोग होते हैं, कोमल लोग होते हैं, आया ना, उनके अंदर एटीट्यूड घमंड और गुस्सा नहीं होता, वो खत्म करे। चाहे ये शो खत्म होने के बाद अपने अपलाइन को जाके कह दे कि सर जो बोलोगे वो करूंगा, बोलो क्या करना, लेकिन 3 साल में 1 करोड़ रुपए बचेंगे। आर यू रेडी? तैयार है? तो जाते जाते फिर एक बार आप सब लोगों से क्षमा याचना दोस्तों, अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो अभी एक बहुत बढ़िया हो रहा, सुनो सुनो, अरे एक अनाउंसमेंट होने वाले तुम्हारे फेवर की, सुनो एक तुम्हारे फेवर की अनाउंसमेंट होने वाली है, भी बहुत काम की बात बताई जाएगी, कंपनी कुछ तुम्हारे लिए यहाँ पर सुविधा करी है वो बताएगी, कुछ देके भेजेगी तुम्हें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा संयम रखना होगा, मैं तो जाऊंगा लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी, तो भी यहाँ पर थोड़ा डांस भी होगा, फिर वो चीज़ की अनाउंसमेंट होगी, तो थोड़ा जिस तरह सुबह से सजे रहे हैं, जमे रहे हैं, प्लीज अगले 20-15 मिनट और सजे रहे, उसके बाद आराम से जाइए, आपको स्नैक्स मिलेगा, और कोई भी दिक्कत नहीं परेशानी है तो उसकी माफी मैं आपसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं वैसे मांगने का मेरा अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे खड़े होकर फोटो खींचो, हाँ ऐसे मत बैठो, अच्छा नहीं लग रहा। हम बुलाते कैसे आते हैं, ऐसे खींच लो यहाँ से, फिर भी आओ, इसी तरह चलने करते रहेंगे, दुनिया फिरते रहेंगे, जिंदगियाँ बनाते रहेंगे, और लोगों को ठीक करते रहेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, विश यू द बेस्ट, थैंक यू।